वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से तो आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि गोवा में रूम्स या होटल कैसे बुक करें या किस एप्लीकेशन से बुक करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको रूम सी बीच के किनारे लेना चाहिए, लेकिन विषय ये आता है कि सस्ता रूम कहाँ पर लें या कैसे लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कलंगुट बीच घूमना है तो आपको रूम कलंगुट बीच के पास लेना होगा। कलंगुट बीच के पास रूम लेने से फायदे क्या हैं? वहाँ पास से आप वागा, अंजुना, कंडोलिम और कलंगुट चारों बीच आराम से घूम सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं बुकिंग के लिए ओयो ऐप प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर आपको बीच के पास लेना है तो ओयो में चार्जेस 2000 के एवं होते हैं, इसलिए मैं आपको बेस्ट आइडिया बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप इंटरनेशनल ऐप अगोडा डाउनलोड कर लीजिए। मैंने भी अगोडा डाउनलोड किया था। बीच के किनारे आपको 800 रुपीज में अगोडा में मस्त एसी वाला रूम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अगोडा में बुक किए हुए रूम्स देखना चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो में रूम्स की पिक, फोटो, वीडियो सब कुछ डाला हुआ है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि बीच के किनारे रूम बुक ही ना करें तो अच्छा रहेगा, तो फिर आपको पंजी में करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पंजी में तो रूम बुक करना और भी कॉस्टली है। मैं आपको एक रूम बुक करने का अच्छा सजेशन देती हूँ, आप मबुसा में रूम बुक करिए। मबुसा में 1000 में अच्छा सा अच्छा रूम मिल जाएगा, और यहाँ से आप सारे बीच मीन्स कलंगुट, बागा, अंजुना, कंडोलिम आराम से घूम सकते हैं। यहाँ से इनकी दूरी 15 किलोमीटर लगभग है अरंगुल बीच के अलावा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी मेरे द्वारा दी गई हुई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।